तेरी आंखों में वो जादू तेरी आंखों में वो जादू है, बिन नूर की नानी भाई का मायरा सुना हुआ जहाँ कन्हैया ने स्वयं भाग नरसी ने मान लिया अपना बेटा, कोई पुत्र नहीं रही। नानी भाई के यहाँ से इतना बड़ा पर्चा चला गया कि इतना लिख दो कि नरसी दे नहीं पाता। सब कुछ नेछावर कर दिया कन्हैया, चल दिए ससुराल वालों ने तबेले में जगह दे दी। लड़की के लिए मरण अवस्था हो जाती है जब उसके पास की बेइज्जती हो। नानी भाई ने कह दिया मरने जा रहे हैं। नरसी को फिर भी विश्वास बैठे हैं सामने लड्डू गोपाल करके और क्या बोले सीट पड़े तुम सांवरा मेरे धन गंगा सीट पड़े तुम सांवरा मेरे धन गंगा। ये वो नरसी है जो सोने की अशरफियां दान में दे दिया करते थे। ये वो नरसी और क्या बैठ के बोल रहे सीट पड़े तुम सांवरा चल बोले कि नानी का भाग अगर ये आता है लेकिन बुलाने वाला कि यहाँ बैठा है। एक बात सुनो, मैं किसी के घर जाऊं कोई मेरे को बिठा के छप्पन भोग रख दे, ऐसे तरह तरह के पकवान रख दे और दूसरों से जाके बात करे कौन कौन जाना पसंद है, तो इसके साथ ऐसा क्यों करते हैं? प्रसाद रख दिया, छप्पन भोग रख दिया, बाबा तू जाने और तेरा काम जाने, मैं चला गया। सच बात है कड़वा है लेकिन सब कीर्तन इवेंट में बदल गए। भाव होना चाहिए और ये आता है आता रहे। सीट पड़ी तुम सांवरा मेरे धन गंगा, सीट पड़ी तुम सांवरा मेरे धन गंगा, जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहे इंसान।
चली गई मरने के लिए, लेकिन नरसी बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं मेरे साथ बोलना। गोविंद कभी देखा नानी भाई ने कि बैल के बैल लद कर आ रहे हैं, कन्हैया रूपमणी भामा के साथ स्वयं भात भरने आ रहे हैं, लेकिन नरसी फिर भी पुकार रहे हैं गोविंद। Oh, 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 oh,